हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टू लर्निंग एनिमेशन चैनल में। आज मैं बताऊंगा कि आप कैसे आसानी से और बेसिक तरीके से किसी कैरेक्टर को वॉकिंग करा सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी मेरे दो और चैनल हैं जिन पे मैं हॉरर स्टोरीज और मोरल स्टोरीज डालता रहता हूँ, प्लीज आप उन्हें भी सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, मैंने अपना कैरेक्टर एनिमेट सीसी में ओपन कर लिया है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में बनाया था। अब हम इसको वॉकिंग कराएंगे। हमने इसकी आई ब्लिंकिंग, टॉकिंग और मूवमेंट दी थी। सबसे पहले तो आप इसको यहाँ पे सेट कर दीजिए और इसको ऑल के साथ यहाँ पे ड्रैग करिए। अब ये इसकी कॉपी बन चुका है। अब इसको डुप्लीकेट करना है तो इसके लिए राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट सिंबल पे जाएंगे। यहाँ पर हम इसका नाम चेंज कर देंगे। अब इन दोनों को अलग अलग लेयर पर डिवाइड कर देंगे। दोनों को सेलेक्ट कर लेना है, फिर राइट क्लिक करके तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कंट्रोल शिफ्ट डी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये अलग अलग लेयर पर डिवाइड हो चुकी हैं। अब हम इसमें वॉक साइकिल करेंगे। अब ये देखिए, ये दोनों फाइल्स यानी ये दोनों कैरेक्टर एक जैसे ही हैं, लेकिन इनमें फ़र्क इतना है कि ये घोस्ट कैरेक्टर है और ये घोस्ट कैरेक्टर टू है। दोनों का अलग अलग नाम से सेव है। तो अगर हम अंदर जाकर इन कीज को रिमूव करते हैं और राइट क्लिक करके रिमूव क्लासिक ट्विन करते हैं तो देखिए, इसमें मूवमेंट हो रही है लेकिन इसमें नहीं, क्योंकि ये इसका डुप्लीकेट बन चुका है। हम इसके अंदर जो भी एडिट करेंगे वो अलग ही होगा। पहले तो हम इसकी जो माउस चल रहा है इसको हम बंद कर देते हैं। अब इसकी फ्रेम को 20 तक रखना है, फिर यहाँ पर हम रूलर लगाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ये जो ऑप्शन है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट आर्क इसका शॉर्टकट है, हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए रूलर आ चुका है। अब हम इसके रूलर को इसके लेग्स पे सेट करेंगे और यहाँ से भी रूलर लेंगे और यहां से भी रूलर लेंगे। ये रूलर इसलिए लिया जा रहा है ताकि आप इसके हाथ पैर को ज्यादा चौड़ फैला ना सके और जिससे एनिमेशन बहुत ही स्मूथली हो। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर इनके हाथ पैर को आगे पीछे करेंगे। बस ये सिंपल सा और बेसिक सा एनिमेशन है जो नॉर्मली कोई भी कर सकता है। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, दोनों सिंबल, ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद ये जो पॉइंट है इसको हम यहां लगाएंगे, फिर इसको आगे करेंगे। अब ये देखिए, ये पीछे जा रहा है और एक ये आगे जा रहा है, क्योंकि ये दो लेयर एक साथ नहीं है, मतलब एक के ऊपर नहीं है, ये और ये ज़्यादा ऊपर और नीचे हैं, इन दोनों को एक ही साथ कर देते हैं। इस वाली लेयर को हम इसके साथ कर देते हैं। अब ये देखिए, इतना करने के बाद इसे एडजस्ट करेंगे, फिर इसको दोनों को सेलेक्ट करने के बाद पॉइंट यहाँ लगाएंगे, फिर इसको पीछे करेंगे। इन हाथों को भी दोनों को सिलेक्ट करके पॉइंट लगाएंगे और इसको थोड़ा पीछे करेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद पॉइंट को हम यहां पर लगाएंगे, फिर इसको आगे करेंगे। इतना होने के बाद फिर लास्ट में जाना है और यहां पर की लगा देनी है, फिर टेंथ पे जाना है, फिर यहाँ पर डबल क्लिक करके की लगा देनी है। अब यहाँ पर हम चेंज करेंगे,
इन सब को हम रिवर्स करेंगे। इसको भी हम पॉइंट लगाएंगे और यहां पर इनको रिवर्स कर देंगे। थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये ज्यादा ही बाहर चला गया तो हम इसको अंदर कर देते हैं। और इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, इसको भी हम रिवर्स कर देंगे। अब ये देखिए, ये हैंड इसके पीछे है क्योंकि ये इसकी लेयर इस हैंड के ऊपर है, तो हमें इस हैंड को सेलेक्ट करना है और इस लेयर को इसके ऊपर कर देना है। इसको एडजस्ट करेंगे, फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके इसको पीछे कर देंगे, फिर इन सब पे की लगाएंगे। तो अब देखिए, ये बन गया बिल्कुल नॉर्मली एनिमेशन, वॉकिंग एनिमेशन। अब इसको स्मूथली करने के लिए 5 फ्रेम पर आएंगे, फिर यहां पर की लगा देंगे। जो अब ये देखिए, जो पैर आगे को जा रहा होगा हम उसे सेलेक्ट करेंगे, ये वाला पैर आगे जा रहा है तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इसको इस तरीके से मोड़ देंगे। फिर 15 पर आएंगे, 15 पर हम देखेंगे कि अब कौन सा पैर आगे जा रहा है। अब ये देखिए, ये वाला पैर आगे जा रहा है तो हम की पर आकर इसको मोड़ देंगे। अब देखिए, अब हम इसको ऊपर नीचे करेंगे, यानी जो भी चलता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे कि मैं यहां पर आऊंगा और यहां पर इसको शिफ्ट के साथ अप एरो प्रेस करूंगा सिर्फ एक बार, और इसको सेलेक्ट करके इसको थोड़ा चौड़ा करूंगा। फिर यहां पर आना है, इसको भी शिफ्ट के साथ ऊपर कर लेना है। अब इसको ऑल्ट के साथ प्रेस करके इसको बड़ा करेंगे। अब देखिए, अब इसके हैंड में मूवमेंट देनी है, जो इसका हेड है इसमें थोड़ी सी मूवमेंट देंगे। मूवमेंट कैसे देनी है, ये ऐसे भी कर सकते हैं हम, इस तरीके से आपको कर लेना है। अब ये देखिए, ये बन गया इसका वॉकिंग एनिमेशन, जो कि बहुत सिंपल होता है, जिसे हर कोई बना सकता है। अगर आपको एडवांस में जाना है, यानी बहुत ही डिटेलिंग में जाना है, तो आपके इसके जो कपड़े होते हैं इनको लहराना होगा। अगर ये आगे चलेगा तो इसके क्लॉथ भी इन पैरों के अनुसार ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन ये डिटेलिंग में काम होता है जो आपको आगे बताया जाएगा। इतना होने के बाद आपको चेक करना है कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं, तो आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करिए। ये देखिए, अब ये परफेक्टली एक वॉकिंग कैरेक्टर बन चुका है। अगर आप इसकी फ्रेम को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इन सब को सेलेक्ट करिए, फिर ऑल्ट के साथ इसको माउस का लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करिए और फिर यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब देखिए, ये दोनों की सेम है तो हम इनमें से एक को रिमूव कर देंगे। यहाँ पर जाइए या फिर यहाँ पर जाइए, तो आप जब शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे तो ये कीज रिमूव हो जाएगी। इस तरीके से आप इसके फ्रेम को वॉकिंग तरीके से बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।